नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम दूसरे दिन की क्लास में देखेंगे कौन क्या है करंट अफेयर्स स्पेशल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए कमेंट्स किया था कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो और अभी आगे पढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं। देखो कौन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका बात करें कौन क्या का है, क्या मैंने पहला वीडियो दिया था उसमें मैंने प्रधानमंत्री देखा था, लोकसभा का प्रमुख, राज्यसभा का प्रमुख और भी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, स्वतंत्र जो मिनिस्ट्री है, प्रभार है, उसको मैंने देखा था। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम न्यायिक प्रमुख को देखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेना के प्रमुख को देखेंगे, भारतीय अर्धसैनिक बल व इसके प्रमुख को देखेंगे और कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। और कौन क्या है का एक वीडियो हम इसके बाद और देंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था वहां पे इससे प्रश्न आए थे, एक एक प्रश्न। और एक प्रश्न कहां से आया था, सीएम गवर्नर राज्य की राजधानियों से, तो उसको हम एक वीडियो में देखेंगे। यानी कि एक वीडियो ये मिलेगा और कौन क्या है का एक वीडियो D3 में मिलेगा और एक वीडियो होगा सीएम एंड गवर्नर का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा होगा उसको हम करेंगे, प्लस पीडीएफ से हम यहां ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंथली वाइज करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पीडीएफ वाइज मंथली वाइज करंट अफेयर्स करेंगे 2019 से। 2019 का हम पूरा करंट अफेयर देखेंगे हम कितना आ सकता है, उसी हिसाब से एनालाइज करके मंथली वाइज एक एक वीडियो बनाएंगे कि वन मंथ का पूरे एक वीडियो में कंप्लीट हम पूरा करंट अफेयर्स देंगे पूरा आपका नवंबर तक। कोशिश करेंगे दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम करा दें, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक करना जिसके सारे वीडियोज के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोशिश करूंगा जो चीजें मैं बताऊं आपको इसी वीडियो में याद करा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यायिक प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने देखा होगा शरद अरविंद बोबड़े बने थे। कौन बना था, शरद अरविंद बोबड़े। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता भी होगा। महान्यायवादी की बात करें, भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है, भाग पांच के संविधान की बात करें भाग पांच के आर्टिकल नंबर 76 में ये दिया गया है। और कौन है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, इनको हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, के वेणुगोपाल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। आगे चले अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या होता है, आपने NGT का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। महाधिवक्ता की बात करें जिसको हम सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, ये कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष की बात करें राष्ट्रीय विधिक, अब देखो इसमें कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे महाधिवक्ता के अलग भी इनके कई, इनसे छोटे कई पद होते हैं वो एग्जाम में बनते नहीं है तो हम उनको नहीं करेंगे, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है हम वही कर रहे हैं, अगर जो इसमें भी बात करें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो मैंने आपको इसमें सिर्फ वही कराने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके आते हैं। अगर जो आप बुक लेंगे कौन क्या है तो बहुत सारे मिल जाते हैं, कितने नाम आप याद रख पाओगे, इसलिए जो करा रहा हूं उसको शांति से पढ़ लो। अध्यक्ष की बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कौन है, तो जस्टिस NV रमन्ना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस NV रमन्ना। भारत के प्रथम लोकपाल की बात करें, लोकपाल आंदोलन आपने सुना था, उसके बाद भारत के लोकपाल, भारत में लोकपाल का गठन किया गया था, उसमें भारत का जो प्रथम लोकपाल है वो किसको बनाया गया था, तो भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था पिनाकी चंद्र घोष को। किसको, पिनाकी चंद्र घोष। फिर से देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय शरद अरविंद बोबड़े, मान्यवादी के वेणुगोपाल, अध्यक्ष NGT के आदर्श कुमार गोयल, महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जस्टिस NV रमन्ना और भारत के प्रथम लोकपाल की बात करें पिनाकी चंद्र घोष। ये हो गया। अब आते हैं भारतीय सशस्त्र सेना के प्रमुख की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे आपका वायु सेना हो। अब बात करें सर्वोच्च सेनापति, तो ये आपको पता होगा राष्ट्रपति होता तो रामनाथ कोविंद यहां पे हो जाएंगे भारत के सर्वोच्च सेनापति। अब आते हैं देश के पहले, अब देखो CDS का गठन किया गया था आपका इसी बार, कि देश में जो सेना होगी उसका एक CDS होगा यानी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो यहां पे बात करें पहले चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज यहां पे कौन बने हैं, जनरल विपिन रावत। तो देश के पहले CDS हैं जनरल विपिन रावत। थल सेना के प्रमुख जो है वो 28वें नंबर के हैं मनोज मुकुंद नरवणे।
कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, देश के पहले चीफ सीडीएस कौन है या देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज कौन है, तो यहाँ पे जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे वायुसेना के प्रमुख की बात करें राकेश सिंह भदौरिया, और अभी वायुसेना प्रमुख का वायुसेना ने जल सेना प्रमुख का बयान आया था कि भारत को एक और क्या बोलते हैं उसको जिसपे हवाई जहाज उड़ते हैं पानी में रहता है, विमान वाहक पोत की जरूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करें नौसेना प्रमुख की 24वें कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, सर्वोच्च सेनापति रामनाथ कोविंद, देश के पहले सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख कौन है मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख कौन है राकेश सिंह भदौरिया, और नौसेना प्रमुख कौन है एडमिरल करमवीर सिंह। आगे चलते हैं, आते हैं भारतीय अर्धसैनिक बल व इसके प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। मैं जानता हूं आपको सही से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्वालिटी को 360 पे करके देखें और इसको लिख ले अगर जो लिखना हो तो। अब बात करते हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। आईटीबीपी का मतलब इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर, यहां पे पुलिस होता है। ठीक है, आईटीबीपी की बात करें, ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां पे ये रहते हैं जो आईटीबीपी के जवान होते हैं। अब इसके महानिदेशक कौन है, जो आईटीबीपी के महानिदेशक है वही एनएसजी के वे महानिदेशक है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब यहां पे बात करें ये कौन है आईटीबीपी के महानिदेशक और एनएसजी के जो गार्ड है वो सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, एनएसजी के प्रमुख, सॉरी गार्ड की बात कर रहा हूं, एनएसजी के प्रमुख सुरजीत सिंह देसवाल। अब बात कर ले यहां पे महानिदेशक बीएसएफ के यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में सुना होगा। अभी आपने ड्रग्स का बहुत सारा देखा होगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स ये सब, तो उसमें बार बार नाम आता होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच के लिए बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो राकेश अस्थाना है। आगे बात करें, निदेशक विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी के हैं अरुण कुमार सिन्हा, और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, कुमार राजेश चंद्रा। महानिदेशक आरपीसीआरपीएफ की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो आनंद कुमार माहेश्वरी, और अगर जो हम बात करें महानिदेशक है सीआईएसएफ के केंद्रीय औद्योगिक यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस बल की बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें तो राजेश रंजन है यहाँ पे महानिदेशक। महानिदेशक आरपीएफ की बात करें यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के, तो अरुण कुमार है, और महानिदेशक बीआरओ आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, बॉर्डर जो बॉर्डर से सटे एरिया होती है वहां पे सड़क बनाने का जो काम होता है बीआरओ का होता है, तो बीआरओ यानी कि सड़क सीमा सड़क संगठन इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगर जो हम बात करें एनसीसी के महानिदेशक की यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की, तो वो है राजीव चोपड़ा। महानिदेशक एनडीआरएफ की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल वो है एसएन प्रधान, और अगर जो हम निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, यानी कि जो प्रमुख होता है उसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, वो 23वें नंबर के वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही बार बार प्रश्न पूछता है ये आपके सुनील अरोड़ा है जो 23वें नंबर के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा इनमें इनकी हेल्प करने के लिए चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, वर्तमान में चुनाव आयुक्त की बात करें राजीव कुमार है और सुशील चंद्रा है। अब इन चुनाव आयुक्तों की हेल्प करने के लिए कुछ और उप चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, वर्तमान में जो उप चुनाव आयुक्त की बात करें उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, आशीष कुंद्रा और सुदीप जैन, ये सारे उपचुनाव आयुक्त है। मेन इंपॉर्टेंट आप दो ध्यान रखिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है 23वें नंबर के, ये कौन है सुनील अरोड़ा। उसके बाद चुनाव आयुक्त की बात करें यहाँ पे राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, ये है। ये तो हो गया, हमने देखा न्यायिक प्रमुख, भारतीय सशस्त्र सेना प्रमुख, भारतीय अर्धसैनिक बल व इसके प्रमुख, और निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। पहले हम देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, यहाँ पे कौन है वर्तमान में बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जिसको हम सीएजी बोलते हैं। सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर पे हैं। महालेखा परीक्षक की बात करें इसी के अंतर्गत आते हैं ये सोमा राय वर्मन, दोनों ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और महालेखा परीक्षक सोमा राय वर्मन। अब आते हैं सचिव व सलाहकार की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात करें जिसे हम प्रधान सचिव बोलते हैं, प्रधान सचिव का यहाँ पे सलाहकार कौन है, तो प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री का, प्रमोद मिश्रा। ठीक, प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री का, प्रमोद मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें यहाँ पे अजीत डोभाल, ये तो सबको पता होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये अजीत डोभाल।
अब बात करें आगे प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार की बात करें तो पीके सिन्हा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के सलाहकार होते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ भी करने से पहले मशवरा करते हैं। तो यहाँ पे बात करें प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री का, प्रमोद मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा, और राष्ट्रपति के सचिव कौन है, कपिल देव त्रिपाठी। तो प्रधानमंत्री के जो सचिव है वो प्रमोद मिश्रा, राष्ट्रपति के सचिव है कपिल देव त्रिपाठी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार है पीके सिन्हा, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अजीत डोभाल। आगे आते हैं प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की बात की जाती है, ध्यान रखिएगा नीति आयोग एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो उसमें नीति आयोग जो है उसको उसके बारे में संविधान में कुछ भी दिया नहीं गया है, उल्लेख नहीं किया है। नीति आयोग की बात करें, इसका पहले नाम योजना आयोग था, जिसको नरेंद्र मोदी जैसे ही आए उन्होंने इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग की बात करें, जब भी इसके अध्यक्ष की बात करें तो हमेशा आपका नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इस हिसाब से देखें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करें, राजीव कुमार है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जब भी पूछे तो राजीव कुमार है। सीईओ कौन है नीति आयोग का, अमिताभ कांत। तो नीति आयोग से तीन प्रश्न, जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष कौन है राजीव कुमार, सीईओ कौन है अमिताभ कांत। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष की, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी बात करें प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष है, और एसएससी की बात करें तो इसके अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है। तो यूपीएससी की बात करें संघ लोक सेवा आयोग, प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष है, और महानिदेशक की बात करें कौन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के, तो एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी है, और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें रेखा शर्मा। एक बार फिर से हम रिविजन कर सकते तेजी से, अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष नीति आयोग के राजीव कुमार। देखो इसको अगर जो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लो, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीईओ कौन है नीति आयोग का, अमिताभ कांत, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, महानिदेशक की बात करें राष्ट्रीय प्रशिक्षण परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए विनीत जोशी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा, और अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग की ब्रजराज शर्मा। ये था दोस्तों आज का डे टू का क्लास, इसमें हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम और इंपॉर्टेंट बचे हुए कौन क्या है लेकर आएंगे, उसके बाद एक वीडियो आपका सीएम और गवर्नर और राज्य और राजधानी को लेकर आएंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए करंट अफेयर्स को करेंगे। मंथली वाइज करंट अफेयर्स हम पीडीएफ या पीपीटी से पढ़ाएंगे, उसका एक महीने का पूरा एक वीडियो में हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और देखते रहो, एंजॉय करते रहो, अच्छा लगे तो बताना जरूर कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक शुरू में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।